हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट है और उसमें आपका आधार लिंक नहीं है, लिंक कैसे नहीं है, जैसे ही सरकार कोई सब्सिडी डालती है तो वो आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाती है। आगे से बताया जाता है, जब आप कहीं पूछते हैं कि आपका आधार लिंक नहीं है, एनपीसीआई से आपका आधार लिंक नहीं है, इसके कारण डीबीटी के माध्यम से सरकार आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेज पा रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरी समस्या आपको जब आती है, जब आप कहीं पर सीएससी सेंटर या सीएसपी सेंटर पर जाकर अपने पैसे निकलवाते हैं, अंगूठे से विड्रॉल करवाते हैं पैसे को आधार देकर, तो आपसे अगले वाला जो बंदा है सीएससी सेंटर वाला, वो कहता है कि आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इसलिए आपको बैंक में जाकर अपना आधार लिंक करवाना होगा। जैसे ही आप बैंक में जाते हैं और आधार कार्ड देते हैं तो वह कहते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है। दोस्तों, आपका आधार कार्ड उनके पास तो लिंक है, लेकिन आगे उनका डेटा है वो अटैच नहीं हुआ है। कारण क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में जो आपका नाम है, कई बार वो एक जैसा नहीं होता है, या तो स्पेलिंग की गलती हो जाती है, या फिर दोस्तों पंजाब नेशनल जो बैंक है वो आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम भी लिखता है कस्टमर नेम में। यानी पहले आपका नाम, जैसे एक नाम हो गया राजेश, फिर सन ऑफ लगाकर या वाइफ ऑफ लगाकर उसके पति या पिता का नाम लिख दिया जाता है कस्टमर नेम में ही, लेकिन वहाँ पर केवल कस्टमर का नाम होना चाहिए। तो जैसे ही आप लिंक करवाते हैं तो उस समय आपका डेटा केवल बैंक तक सीमित रह जाता है, आधार के कार्ड के जो सर्वर हैं या फिर जो कंप्लीट जो सर्वर है उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो दोस्तों वो लिंक नहीं हो पाता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप अंगूठे लगाएं और वहां पर लिंक नहीं मिले तो आपको बैंक में जाकर कहना है, पहले तो आप यह चेक कर लें कि आपकी पासबुक और आधार कार्ड में फ़र्क क्या है। ये हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर मैंने बताया है जो सन ऑफ वाला सिस्टम है कि आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम भी ऐड कर रखा है, तो वो जाकर आपको अगर गलती है तो गलती ठीक करवाएं, अगर पिताजी का नाम भी ऐड है तो उसे हटवा दें। आपको बैंक के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि विषय में लिखना होगा कि नाम बदलवाने हेतु या नाम ठीक करवाने हेतु। फिर आपको जो एप्लीकेशन है उसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगा लेनी है, उनकी फ़ोटोकॉपी, और बैंक में जमा करवानी है और कहना है कि कस्टमर नेम में मेरा नाम ठीक कर दीजिए, या नाम के साथ पिताजी का नाम है तो इस सन ऑफ और पिताजी के नाम को हटाकर केवल मेरा नाम कस्टमर नेम में लिख दीजिए। इसके बाद क्या होगा, और उन्हें साथ साथ ये भी कहना है कि जो आपके डेटा में मेरा आधार कार्ड पहले से जुड़ा हुआ है उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दीजिए अपने सिस्टम से। वो तुरंत डिलीट कर देंगे, फिर क्या होगा कि आपका आधार कार्ड न तो बैंक में लिंक रहेगा और न ही कहीं, यानी वो रिकॉर्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका नाम अपडेट हो जाता है, उस दिन तो अपडेट नहीं होगा, शाम तक अपडेट हो जाएगा, लेकिन उस दिन आप अटैच नहीं करवाएं, उससे अगले दिन आपको क्या करना है, अब आपने रिकॉर्ड भी डिलीट करवा दिया आधार कार्ड का, आपका नाम भी अपडेट हो गया है, अब आपका काम फ्रेश तरीके से यानी नए तरीके से होगा। तो आप जब पिछले दिन नाम अपडेट करवाने जाएं उसी समय बैंक में पूछ लें कि ये काम जो है ये बैंक में होगा या फिर हमें कहीं जाना होगा। कहीं कहाँ पर जो सीएसपी होते हैं, बैंक बीसी होते हैं, जो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उस बैंक का, उस का, उसके पास आपको जाना होगा। तो आप बैंक में अगर यह सुविधा अवेलेबल है वहां पर अपडेट करते हैं तो उनसे उसी समय पूछ लें, और अगर सीएसपी सेंटर जाना होगा या बैंक बीसी के पास जाना होगा उनसे यह पूछ लें कि हमें बीसी के पास जाना है कि आप यहीं पर लिंक कर देंगे, लिंक होना चाहिए, समस्या नहीं हो। तो वह अगर बीसी का नाम लेते हैं तो अगले दिन आप बैंक बीसी के पास चले जाएं, वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, बैंक पासबुक देनी होगी, उस व्यक्ति का अंगूठा या फिर ओटीपी के माध्यम से, अगर बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से, दोस्तों आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी के माध्यम से भी हो जाएगा, और अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यानी मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी से हो जाएगा, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का अंगूठा लगेगा जिसका आपको अपडेट करवाना है, तो फिर आप उसे साथ लेकर जाएं।
वो साथ आप लेकर ही चले जाएं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो ओटीपी वाली सर्विस है कई बार काम नहीं करती, या कई बार अंगूठे वाली सर्विस काम नहीं करती। फिर आपको उनके पास जाना है, उन्हें बैंक पासबुक और आधार कार्ड देना है। वह आपके नाम जो आपका आधार कार्ड है उसे बैंक अकाउंट के साथ तुरंत लिंक कर देंगे और वह तुरंत ही लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर ही लिंक हो जाएगा। और इसी प्रकार आप बैंक में भी करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर करवा लीजिए, वरना वहाँ पर लफड़े में आप न फंसें, फिर से वही समस्या बैठ जाएगी। आप अपने बैंक वीसी के पास ही चले जाएं जो उस ब्रांच की सीएसपी या बैंक वीसी लिए हुए हैं। फिर वो जो आपका आधार है वो आपके, और जब आप लिंक करवाएं तो उनसे एक बात और कह दें कि इसी बैंक खाते में हमें डीबीटी चाहिए है और इसी में हमें एपीएस का भी अंगूठे भी लगाना है, यानी अंगूठा भी लगना चाहिए और जो सरकार सब्सिडी भेजे वो भी हमारे पास आनी चाहिए। फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है या मैं समझा नहीं पाया हूँ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके पास अच्छा कोई सुझाव है तो भी आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।